नमस्कार, पंजाब केसरी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ बिनाल जी। दिल्ली शराब नीति घोटाले में पूछताछ के लिए आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय ने बुलाया। ईडी के सवालों का जवाब देने से पहले केजरीवाल ने पूछताछ के लिए भेजा गया नोटिस गैर कानूनी बता दिया। कहा कि बीजेपी के कहने पर नोटिस भेजा गया है, इसे इसलिए भी भेजा गया ताकि मैं चार राज्यों में होने वाले चुनाव प्रचार नहीं कर सकूं, नोटिस को तुरंत वापस लिया जाए, उन्होंने कहा। हालांकि आज वो ईडी के सामने पेश नहीं होने वाले हैं, इसकी वजह यह है कि मध्य प्रदेश में चुनावी अभियान के लिए रवाना होने वाले हैं। दरअसल मध्य प्रदेश के सिंगरौली में अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का आज दोपहर रोड शो करने वाले हैं। कुछ देर में केजरीवाल मध्य प्रदेश के सिंगरौली के लिए रवाना होंगे, ऐसे में पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर नहीं जाने वाले। चिट्ठी लिखकर ईडी को जवाब भी दे दिया गया है। भले ही केजरीवाल ईडी के दफ्तर नहीं गए, लेकिन उन्होंने एक चिट्ठी के जरिए नोटिस का जवाब दिया। केजरीवाल ने लिखा कि ये साफ नहीं है कि आपने मुझे किस नाते संबंध भेजा है, एक गवाह के तौर पर या फिर संदिग्ध तौर पर। मुझे समन में डिटेल भी नहीं दी गई। उन्होंने आगे लिखा कि यह भी नहीं बताया गया कि मुझे व्यक्तिगत तौर पर बुलाया गया है या फिर मुख्यमंत्री के तौर पर या फिर आम आदमी पार्टी के मुखिया के तौर पर। केजरीवाल ने कहा कि जिस दिन ईडी द्वारा समन जारी किया गया, उसी दिन पर भाजपा नेताओं के बयान आने शुरू हो गए। मेरी छवि को खराब कराने के लिए 30 अक्टूबर की शाम को बीजेपी नेताओं को ईडी का समन लीक किया गया। उन्होंने कहा कि 30 अक्टूबर को दोपहर मनोज तिवारी ने संसद में बयान दिया था कि मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। दिल्ली सीएम ने अपनी चिट्ठी में लिखा है कि मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी का राष्ट्रीय संयोजक हूं और पांचों राज्यों में चुनाव होने हैं, जहां प्रचार करने के लिए मैं स्टार प्रचारक हूं। मुझे इन राज्यों में यात्रा करनी और अपने कार्यकर्ताओं को राजनीतिक मार्गदर्शन देना है। मुझ पर आधिकारिक प्रशासनिक और आधिकारिक जिम्मेदारियां हैं, जिसके लिए मेरी उपस्थिति आगामी दिवाली के दौरान भी जरूरी है। दिल्ली शराब नीति घोटाले में आप नेता पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया फरवरी से ही पहले से जेल में बंद है। सिसोदिया की गिरफ्तारी के अलावा हाल ही में आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह को भी ईडी ने गिरफ्तार किया। दिल्ली शराब घोटाले को लेकर ईडी का शिकंजा धीरे धीरे आपके कई नेताओं पर कसता जा रहा है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आज ही दिल्ली के कैबिनेट मंत्री राजकुमार आनंद के ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की है। पार्टी ने केजरीवाल की गिरफ्तारी की भी आशंका जता दी है। फिलहाल केजरीवाल ने यह साफ कर दिया है कि वो ईडी के नोटिस पर नहीं जा रहे हैं और उन्होंने वापस ईडी को इसके लिए चिट्ठी लिख दी।